हदीस में दाढ़ी वगैरह को काला रंग करने की ममानत आई, और बाज़ उलमा जैसे तारी जमील साहब और ऐसे ही इलियास घुमन साहब दाढ़ी का रंग काला करते हैं। भाई काला नहीं करते, मौलाना इलियास घुमन साहब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मौलाना तारी जमील साहब काला नहीं करते, दाढ़ी को ब्राउन करते हैं, कैमरे में काली नज़र आती है। जब भी आप उनके साथ मुलाकात करेंगे तो वाजे लग रहा होता है उनकी दाढ़ी ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। मेरे भाई इलियास घुमन साहब भी मेरे ख्याल ब्राउन ही करते होंगे, वल्लाहु आलम, क्योंकि तो बराह रास्त जब देखा जाए तो पता चलेगा ना। माँ बाप की इजाज़त के बगैर, हाँ अच्छा ये भी है कि बाज़ उलमा ने गुंजाइश दी है कि जिस आदमी की नई नई शादी हो, बाज़ हजरात ने गुंजाइश दी है नई नई शादी हो तो बीवी को खुश करने के लिए वो दाढ़ी काला कर सकता है, लेकिन फतवा इस पर बोलो भाई नहीं है। तो अगर मौलाना इलियास घुमन साहब की हो सकता है बिल्कुल नई नई, क्योंकि वो भी हमारी तरह शादियाँ रिपोर्टें आती रहती हैं, तो शायद उन्होंने कोई नई शादी की हो जो हमें पता ना चली हो तो बीवी को खुश करने के लिए इस कॉल का सहारा लिया हो, तो बाज़ उलमा ने इसकी गुंजाइश दी है, लेकिन जमहूर का कॉल यही है कि चाहे बीवी खुश हो या नहीं हो तो आप 40 साल के बाद दाढ़ी काली नहीं कर सकते।